तो मैं सोच रहा हूँ कि आज पापा जी के पास दे दी जाए बाइक चलाने के लिए। यो ब्रेक नहीं, यो क्लच। सो इमरजेंसी में इधर ये खोल दो, ये होंगे बस। तो पापा जी चला रहे हैं यहाँ से बाइक और ये पहली बार चला रहे हैं। बहुत दिनों के बाद ऐसे हैवी काम हो रहा है और मेरे हाथ पे एक छाला उठा था ना परसों, वो फूट के फिर उसी जगह पर दूसरा छाला भी उठ गया। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलू प्राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 9:15 हो रहे हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। मौसम तो बिल्कुल ठीक ही है, नॉर्मल नॉर्मल, धूप भी लगी है, बादल भी लगे हैं। अरे यार, मैंने सुबह ये गोप्रो टाइम लैप्स लगाया था, ये हैंग हो गया। बड़ी प्रॉब्लम है गोप्रो के साथ भी, गोप्रो हैंग होता रहता है। अब मैंने उतनी मेहनत से सुबह यहाँ का टाइम लैप्स लगाया था, लेकिन ये फाइल ना कभी कभी ऑटो रिपेयर कर देता। अगर रिपेयर करेगा तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तो फिर गई फिर काम से। सामने का माहौल कुछ ऐसा है, माँ भी लगी है छत में सफाई करने पे। प्रीति का काम है डेली आजकल सुबह रोटी बनाना, और प्रीति के घर आने से ना माँ का काम थोड़ा हल्का हो गया है। खाना बनाने का काम पूरा प्रीति का हो गया है आजकल, वो भी लकड़ी वाले चूल्हे में। आजकल तो पहाड़ों में हर कोई लकड़ी वाला चूल्हा यूज करता है, साथ ही साथ मतलब उससे गर्मी बनी रहती है और खाना भी बन जाता है। माहौल तो आज का बहुत ही गजब हो रखा है। और कल का काम हमने ये करा, जो यहाँ पे पिट बना रखा है इससे ये पाइप कनेक्ट करे, और ये पाइप सीधे आ रहा है हमारे किचन से, यहाँ से होते हुए यहाँ किचन को कनेक्टेड है। आज के दिन का हमारा पहला काम ये है कि पीछे गैलरी में हमने जो सीमेंटिंग करी है उसको उखाड़ना है। यहाँ एक काम एक बारी में होता नहीं हमारा। तो बात ये हुई कि यहाँ पीछे गैलरी में हमने इस पाइप को दबाने की पहले कोई प्लानिंग तो करी नहीं, जो बाथरूम का जो मतलब वेस्टेज पानी होगा। अब इसको ऐसे करना है, इसको खुला भी छोड़ सकते हैं वैसे हम, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं क्योंकि ये मौसम की मार से ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा गहरा करेंगे, गहरा दबा के ले आएंगे इसको। और ये देखिए छोटे बच्चों की गेंद पड़ी हुई है यहाँ, इसको ऊपर डाल देते हैं उनके घर पर। तो इस तोड़ने फोड़ने के काम में ना हालत ख़राब हो जाती है। हमारे यहाँ बहुत तोड़ फोड़ हुई जब से काम हुआ, कोई भी काम एक बारी में ढंग से सही नहीं हुआ। ये तो खैर हमारी गलती है, हमने उस टाइम सोचा नहीं कि जो पानी के पाइप हैं वो मिट्टी के अंदर दबाने हैं या ऊपर हवा में ही छोड़ने हैं। और ये देखिए हमने गैलरी के पीछे भी एक गैलरी बना दी, बहुत मेहनत लग दी इसको तोड़ फोड़ करने में। बहुत दिनों के बाद ऐसे हैवी काम हो रहा है, और मेरे हाथ पे एक छाला उठा था ना परसों, वो फूट के फिर उसी जगह पर दूसरा छाला भी उठ गया। अब जब वो फूटेगा ना सीधे अंदर से खून आने लग गया मेरे को लग रहा है। यहाँ पे मेन कनेक्शन तो कर दिया है, ये हो गया है बाथरूम से कनेक्ट, जिसके लिए लोग पैसे देते हैं, हमने देख देख के काम खुद ही सीख लिया है। हमारे पास सामान तो सब कुछ है, लेकिन एक चीज नहीं है, पानी को ढलान देने वाला लेवल जो होता है। हम सिर्फ अंदाजे से इस पानी के पाइप को लगा रहे हैं, पानी का पाइप काम करेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर दोबारा आफत हो जाएगी। लेकिन कोशिश तो पूरी कर रहे हैं अपनी तरफ से, बहुत है दिख वहां से देख रहे हैं कि अंदाजे से कहाँ ढलान है कहाँ क्या है। सुबह के टाइम का हमने काम तो निपटा दिया है, यहाँ पाइप जो है वो कनेक्ट कर तो दिए हैं, लेकिन एक पाइप हमसे गलती से टूट गया। अब बाजार जाके एक नया पाइप ले आना पड़ेगा, बाकी दो सॉकेट और एक एल्बो भी लेनी पड़ेगी। आजकल कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा दौड़ भाग हो रही है, काम पे भी लगे हैं। अब साथ ही साथ अभी उखीमठ जाके ये सारा सामान ले आना है। शाम तक हमने आज पानी का सारा काम निपटा देना है, और कल सीमेंट का काम करेंगे, उनको ढका देंगे जो भी पाइप हमने वहाँ लगाए हैं। तो बाइक साफ करने का जो कपड़ा है वो हमको कुछ ऐसे सुखाना पड़ रहा है, क्योंकि जहाँ पे बाइक खड़ी रहती है वहाँ पे धूप लगती नहीं। आजकल यहाँ पे लंगूरों का इतना आतंक हो गया है कि आयुष बोला कि उसका और एक लंगूर का सामना हो गया बल। बाकी अभी खाना खाते हैं और उसके बाद हमको फिर से जाना है उखीमठ सामान लेने के लिए। प्रीति देखो, ब्लॉगिंग विद पढ़ाई, आजकल असाइनमेंट बनाने पे लगी हुई है, अच्छी बात है।
पिछली वीडियो में एक कमेंट आया था कि ये वाला जो मिरर है इसको सीधा कर लो, हो ऐसे गया कि जो इसकी कीलें हैं अंदर की उन पर जंग लग गया, ना तो वो टाइट हो रही हैं ना तो वो लूज़ हो रही हैं। आजकल दिन इतने छोटे हो रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा टाइम का, सुबह कब हो रही है और शाम कब हो जा रही है। तो ऐसे में जो ना जो काम है वो भी कम हो पा रहा है। गर्मियों के टाइम पे तो हम सुबह 7 बजे निकल जाते थे काम करने के लिए, आजकल तो 10-10, 10:30 बजे तक तो हम घर में ही हैं, तो काम क्या होना फिर ऐसे में। तो अब यहाँ से उखीमठ तक पूरी रोड डाउन है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज पापा जी के पास दे दी जाए बाइक चलाने के लिए। 4 साल हो गए इस बाइक को, लेकिन पापा जी ने कभी नहीं चलाई, लेकिन न्यूट्रल में चलाएंगे क्योंकि स्टार्ट में अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है। खोटो ब्रेक हो ध्यान दो रे, बस यो ब्रेक नहीं, यो क्लच बस आगने को ब्रेक सिर्फ यो अंगुली दो रहा था। सो इमरजेंसी में ये खोल दो बस ये ब्रेक हो ध्यान दो। तो गियर नहीं पड़ जो है, ये गियर में ना दो रे, खोटो गियर में नहीं पड़ गया, ये तो ना दबा इसे छोड़। तो पापा जी चला रहे हैं यहाँ से बाइक, और ये पहली बार चला रहे हैं मतलब इस बाइक को, शायद पहले तो चलाई होंगी दूसरी कोई और बाइक है, पर मेरी पल्सर को पहली बार चला रहे हैं। अभी तो मैं न्यूट्रल में इसलिए दे रहा हूँ जिससे थोड़ा हाथ बैठ जाए कि भाई कहाँ पे कैसे चलानी है, हैंडल का साइज कितना है, क्या है कैसा है, थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाए। बैलेंस तो बन जाता है, लेकिन थोड़ा डर तो लगता ही है पहली बार किसी गाड़ी को चलाने में। अब पापा जी को ना थोड़ा क्लच वाला सीन सिखाना पड़ेगा, जो क्लच कंट्रोल वाला। तो इसके बाद मार्केट का एरिया स्टार्ट हो जाएगा, तो वहाँ तो मैं ही चलाऊँगा। अब रुका हुआ आराम से, खोटो ब्रेक पूरा दबा, इन दिशा ब्रेक छोड़ खोटो दौरा भूई दौरा ब आगे ब्रेक छोड़ दो, जड़ सा दबा प्यार से बस। तो कैसा रहा था अनुभव? लग रही भाई डर लग रही बल। तो स्कूटी का जो हैंडल है और बाइक के हैंडल में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, तो इसलिए अजीब सा लग रहा है पापा जी को, लगता ही है पहली बार किसी नई गाड़ी को चलाने में। बाकी अगर कुछ दिन और चलाएंगे तो एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, फिर उसके बाद क्लच वाला जो सीन है वो भी सीख जाएंगे कुछ टाइम में, क्योंकि बाइक सीखना बहुत ज़रूरी हो गया है। कई टाइम ऐसा होता ना कि ज़रूरत पड़ जाती है कि पापा जी को अगर बाइक चलानी आती तो काम आता इस टाइम। तो यहाँ से हमको ले जाने हैं वो पाइप और उनका कुछ सामान। तो ये है बीच की क्वालिटी वाला पाइप, इसकी एक बात बता देता हूँ आपको, इसमें ना यहाँ पे वॉशर लगा हुआ नहीं आएगा, और जो बेस्ट क्वालिटी वाले हैं ना उनमें एक वॉशर लग के आता है यहाँ पे। तो ये जो वॉशर है ये हमको अलग से लेना पड़ता है, तो यहाँ मिलता ही नहीं है। कुछ वॉशर हम पे पड़े थे वो हमने यूज़ कर लिए, अब इसको ऐसे ही लगा देंगे। तो इस बाइक में हम ये पाइप तो हल्की बात है, हम इसमें वो जो दरवाज़ा हमने वापस किया था वो भी ले गए थे, और तो और स्कूटी में हमने 1 क्विंटल तक पुट्टी भी वापस करी थी उस टाइम। अब हम यहाँ घर के ऊपर तक तो पहुँच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे प्रीति का वेट करना पड़ेगा, प्रीति हमको चाय लेके आएगी थर्मस पे। तो प्रीति भी आ चुकी है और साथ में आया है आयुष, क्योंकि यहाँ पे जो लंगूर है ना उनका बहुत आतंक हो रखा है, प्रीति को अकेले डर लगा, अब आयुष रक्षा करने के लिए। आज प्रीति की वीडियो नहीं बन रही बल, क्योंकि स्कूल का जो काम है ना, अब इस थर्मस पे ले आते हैं हम चाय। थर्मस नहीं है तो बोतल है ये, और इसमें चाय गर्म रहती है काफी। अभी हम पे सारा सामान लगभग पहुंच चुका है, अब जल्दी से जो पाइप कनेक्ट करने का काम है वो निपटा देते हैं, क्योंकि मौसम का भी कोई भरोसा नहीं। तो फाइनली पूरे 2 दिनों की मेहनत के बाद हमने जो पिट है पानी का उस तक जो पाइप है वो कनेक्ट कर दिए हैं, और हाथों पे देखिए भयंकर वाले छाले उठ गए हैं, अब हाथों पे वो पपड़ी भी जम गई है उस केमिकल की, ऐसा कुछ सीन है। 2 दिन से लगे हैं हम इस काम पे, अब सकाम ने काम, अभी भी काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको अभी सीमेंट से ढकाना भी है। तो ये कुछ था हमारा आज का दिन। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।